तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने एडस्टेरा से $176.07 कमाए हैं। आज मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं कि आप कहां से जा रहे हैं बहुत कुछ कमाने के लिए। ये तरीका आज से हम इसका पालन करने जा रहे हैं। फेसबुक, और आप फेसबुक से $176 कमाने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आप $10 से $20 कमा सकते हैं प्रतिदिन। अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो आप एडस्ट्रिया से अच्छी खासी कमाई करेंगे। अगर आपको फेसबुक से थोड़ा आभास हो रहा है कि आप खूब कमाई करने जा रहे हैं, तो मैं आपको इस तरीके के बारे में बताने जा रहा हूं। आप कैसे कमाई करने जा रहे हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं, मैं जा रहा हूं आपको सब कुछ बताने के लिए। इसलिए मैं अपने मोबाइल में फेसबुक खोलता हूँ और आप देख सकते हैं कि आपके पास है नौकरी खोजने के लिए। आपको नौकरी भारत या किसी सरकारी नौकरी की तलाश करनी है। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जॉब पोस्ट हैं। आप देख सकते हैं कि इस पेज पर कितने फॉलोअर्स हैं, 45,000 अनुयायी। अगर हम अगले पेज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि और भी हैं, 1712 से अधिक अनुयायी। आप देख सकते हैं कि इस पेज पर 26 फॉलोअर्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि यह एक सरकारी नौकरी का पेज है। इस पेज पर बहुत कमाई है। अब मैं आपको पेज बनाने और खूब कमाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैं सरकारी नौकरी हटा देता हूँ और नौकरी खोजता हूँ। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम काली धातु की अधिक कमाई करने वाले हो, प्रतिदिन $20 से $30। तो आप यहाँ भारत में नौकरी देख सकते हैं। इसलिए मैंने भारत में नौकरी की तलाश की और आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास है अलग अलग ग्रुप में कई पोस्ट किए। इसकी जांच करें कि इस व्यक्ति ने विभिन्न समूहों में पोस्ट किया है। उन्होंने एक पोस्ट पर लेकिन अलग अलग ग्रुप में पोस्ट किया है। आपको इस टेक्स्ट को कॉपी करना होगा और व्यक्तिगत जानकारी को हटाना होगा। अपना मोबाइल नंबर डिलीट करें और कॉपी पेस्ट करें और खूब कमाई करें। तो इस तरीके से पैसे कैसे कमाएं? मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह तरीका काला होने वाला है। तरीका, आप देख सकते हैं कि भारत में जॉब पर बहुत सारे पोस्ट किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लाइक और इम्प्रेशन भी हैं, क्योंकि इस शीर्षक पर बहुत सारी पोस्ट हैं जो संबंधित हैं कमाने के लिए। मैं आपको इस विधि के बारे में और बताने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि मेरा ब्लॉगर यहां है, आप इसे देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको एक ब्लॉग बनाना है। ब्लॉगर, आप ब्लॉग से कमाई करने जा रहे हैं। आपको ब्लॉग को एक सही फॉर्मेट में करना है। आपको टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करना होगा और मोबाइल नंबर को हटाना होगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने मोबाइल नंबर डिलीट कर दिया है। और इसे सही तरीके से संपादित करें और फिर हम अच्छी खासी कमाई करेंगे। ये तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है। मैंने इस तरीके से बहुत कमाई की है। इस तरीके का इस्तेमाल करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ये तरीका काला तरीका है और इसका संबंध कमाई से है, क्योंकि आप इस तरीके से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। आप सीधे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आप किसी भी देश से कमा सकते हैं। आप भारत से प्रतिदिन $15 से $20 कमा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको सही सेटअप करना होगा। आपको वीडियो को सही तरीके से देखना होगा। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ब्लॉगर को सही तरीके से एडिट नहीं करते हैं तो आप $1 नहीं कमाएंगे। आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे सही तरीके से संपादित करके सही चीज। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने व्हाट्सएप का लोगो दिया है। अब हम इसे सही तरीके से संपादित करने जा रहे हैं और हम यहाँ से बहुत कमाई करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह व्हाट्सएप का लोगो बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसे छोटा बनाते हैं और इसे सही तरीके से संपादित करते हैं। अब हम सीधा लिंक डालने जा रहे हैं। हमने ब्लॉगर लिंक काट दिया और मैंने हमारे AirDST से सीधा लिंक कॉपी किया और हमने इसे यहाँ रखा है। डालने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको इसे सही तरीके से भरना है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने व्हाट्सएप और कॉल दोनों को यहाँ डाल दिया है। डालने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्ट लिंक भर दिया है सही ढंग से। और आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं तो अगर आप उस पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपकी कमाई हो जाएगी नहीं किया जाना, आपका सीधा लिंक नहीं खोला जाएगा। मैं आपको और तरीके बताने जा रहा हूँ। आपको यहाँ दो फाइलें डालनी है। यहाँ कमाने के और भी तरीके हैं। यहाँ आपको अधिक सही तरीके से डालना है। आपको इसे पूरी तरह से लगाना है ताकि आपकी कमाई हो सके सही ढंग से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कॉल मी डाल दिया है। अगर मैं इसे सही तरीके से रखूं, तो व्यक्ति सीधे कॉल करेगा। आप देख सकते हैं कि बहुत से बेरोजगार लोग हैं,
और कमाई की जरूरत बहुत अधिक है, इसलिए मैंने सीधा लिंक डाला और कॉल मी ऑप्शन को सही से भर दिया। अब मैं इसे थोड़ा संपादित करूंगा, मैं इसे बड़ा करूंगा। अब मैं आपको विधि बताऊंगा कि इसे सही तरीके से कैसे संपादित किया जाए। तो आप यहां देख सकते हैं कि आप इसे 3-डॉट एडिट ऑप्शन से एडिट कर सकते हैं। आप इसे यहां से भी संपादित कर सकते हैं और सही ढंग से भर सकते हैं। अब मैं आपको और तरीके बताऊंगा। आप यहां देख सकते हैं कि आपको इसे बड़ा बनाना है। अगला कार्य अगला जाना, और आप यहां देख सकते हैं कि मैं इसे थोड़ा संपादित करूंगा और इसे बड़ा करो। अगर आप इसे बड़ा करेंगे तो वो व्यक्ति डायरेक्ट पर क्लिक करेगा। मुझे कॉल विकल्प, यदि आप इसे सही ढंग से व्यक्ति को दिखाते हैं और अगर आप सीधे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो क्लिक होगा वो हमारी कमाई होगी। तो मैं इसे लाल रंग बना दूंगा ताकि यह अच्छा लगे, और बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सीधा लिंक सही डाला है और सब कुछ ठीक से भर दिया। अब हमें टाइटल ओ लगाना है इस वीडियो का। मैं अपने ब्लॉग का शीर्षक सही दर्ज करूंगा। एक सेकंड, मैं अपने फेसबुक पेज पर जाऊंगा और मैंने वहां से नाम जॉब इन इंडिया कॉपी किया। अब मैं भारत में नौकरी लगाऊंगा। यदि व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है तो वो हमें नौकरी खोजेगा। भारत, यदि आप भारत में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको शीर्षक लगाना होगा। आपको इसे विवरण में भी डालना होगा। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा और आपको इसे प्रकाशित करना होगा। प्रकाशित होने के बाद हम देखते हैं कि हमारा ब्लॉग कैसा दिखता है। मैं आपको वह भी बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ब्लॉग आ गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको थीम को सही तरीके से अपलोड करना है। अगर थीम सही नहीं होगी तो ब्लॉगर उसे दिखाएगा लोग, और अगर ब्लॉगर दिखाएगा तो आप पैसे नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि अगर ब्लॉगर दिखाएगा तो आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपको ब्लॉगर पर फाइल कैसे अपलोड करनी है, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास पहले से ही 2-3 फाइलें हैं। इसलिए आपको थीम को सही तरीके से अपलोड करना होगा। मैं अलग अलग थीम का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैं आपको इस थीम का लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा या वीडियो के अंत में। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लॉगर कैसा दिख रहा है। अब मैं ब्लॉगर का पक्ष कॉपी करूंगा। अब मैं इसे छांटूंगा। यदि आप सॉर्ट करेंगे तो ब्लॉगर का पक्ष नहीं दिखाया जाएगा। मैं सॉर्ट यूआरएल विकल्प पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं कि अगर आप ब्लॉगर पर खोज करते हैं तो ये साइट आपके ब्लॉगर के साइट को सही तरीके से शो करेगा। आपको अपने ब्लॉगर के साइट को सॉर्ट करना होगा। आप ब्लॉगर के पक्ष को सॉर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इसलिए मैं इस टाइटल को कॉपी करूंगा और मैं इसे फेसबुक पर अपलोड कर दूंगा। इसको कॉपी करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि थीम को सही तरीके से कैसे अपलोड करना है, और आप यहां से बहुत पैसे कमाएंगे। अब मैं इस पोस्ट को संपादित करूंगा। पोस्ट विकल्प पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस पोस्ट को एडिट कर दिया है। अब आपको व्यक्तिगत नंबर संपादित करना होगा, इसलिए आपको इसे लगाने की जरूरत नहीं है। वहां से आपको डिलीट करना है, इसलिए मैं उन्हें हटा देता हूं। अब हमें अपना यूआरएल सॉर्टर लगाना होगा, यूआरएल जिसे हमने सॉर्ट किया है ब्लॉगर की तरफ। आपको इसे यहां रखना होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपना सीधा लिंक नहीं डालना है यहां, क्योंकि अगर आप सीधा लिंक डालते हैं तो आपकी पोस्ट को फेसबुक से डिलीट किया जा सकता है और आपकी अन्य गतिविधियां भी आ सकती हैं। अगर आप किसी को ले जाना चाहते हैं तो आप उन्हें यहां ले जा सकते हैं। अब आपको यहां पोस्ट डालनी है। यदि व्यक्ति आपकी साइट पर आता है तो क्लिक करता है तो आप पैसा कमाएंगे, क्योंकि यह पोस्ट वायरल होने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति को नौकरी की जरूरत है, लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। मैंने इस तरीके का इस्तेमाल करके $176.07 कमाए हैं। मैंने इस तरह से बहुत पैसा कमाया है। आप इस तरीके का इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं।